होटल राजमहल एपिसोड 16 रूम नंबर 5002। उस वक्त विशाल कुछ सोचते हुए अपने डेस्क पर बैठा है और तभी घड़ी की सुई टन की गूंज के साथ 3:30 का समय जाहिर करती है। विशाल की निगाहें अपने आप उस इटालियन घड़ी की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि विशाल समझ चुका है कि उसके अब होटल राजमहल से जाने का वक्त आ चुका है। वहीं अचानक से वहां माहौल में वही जानी पहचानी सी गंध हवा में फिर एक बार धीरे धीरे फैलने लगती है। अभी विशाल अपने डेस्क से उठकर जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि अचानक से डेस्क पर रखा टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग के साथ बजने लगता है। वहीं घड़ी की सुइयां जो लगातार बेचैनी से लगातार टिक टिक करती जा रही हैं, उसे बाहर जाने का इशारा कर रही हैं। तभी बिना कुछ सोचे विशाल झट से टेलीफोन का क्रेडिल उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अब बस कुछ ही देर में आग दोबारा से होटल राजमहल में फैल जाएगी और वापस से सब कुछ अपने आप खाक हो जाएगा। लेकिन उसका जो काम है उसे तो वो हर हाल में पूरा करके ही रहेगा। वहीं टेलीफोन क्रेडिल उठाते ही फोन की दूसरी तरफ से एक बूढ़ी मगर घबराई हुई आवाज आती है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हमारे कमरे में आग लग गई है। मैं और मेरी वाइफ अकेले हैं। जरा हमारी मदद करो, हमें बचा लो। टेलीफोन पर बात करने के दौरान ही विशाल रूम नंबर देखता है तो वो कॉल उसे रूम नंबर 5002 से आई होती है। वहीं आगे कुछ कहते हुए सामने से टेलीफोन कट जाता है और उस आवाज के मालिक की जगह टेलीफोन पर गहरी खामोशी तैरने लगती है। विशाल बिना कुछ सोचे जल्दी से लिफ्ट की ओर देखता है जो धीरे धीरे आग में जलती जा रही है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता उस वक्त, इसलिए वो सीढ़ियों की ओर मुड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियां फांदता हुआ रूम नंबर 5002 की ओर बढ़ने लगता है। वहीं घुमावदार सीढ़ियों पर हर तरफ आग की हल्की हल्की लपटें उस वक्त नजर आ रही हैं। कहीं कहीं से सीढ़ियां अब जलने भी लगी हैं। लेकिन इस वक्त विशाल के दिमाग में जैसे एक भूत सवार है, इसीलिए वो तेजी से भागता हुआ रूम नंबर 5002 की ओर बढ़ता चला जाता है। अभी विशाल 5वें माले पर पहुंचा ही है कि उसे वहां सब कुछ पूरी तरह से जलता हुआ नजर आता है। कॉरिडोर से लेकर दरवाजे, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, वहां मौजूद सारी चकाचौंध, यहां तक कि वहां होटल की सारी रौनकें भी जलकर लगभग नेस्ता नाबूद हो चुकी हैं। वहां मौजूद हर एक चीज, यहां तक कि आगे ऊपर पहुंचने की सीढ़ियां तक वहां जल चुकी हैं। सब जलकर बुरी तरह से खाक हो चुका है, राख में तब्दील हो चुका है और उसके साथ ही वहां एक साथ कई सारे लोगों की चीखने की आवाजें भी आती जा रही हैं, जो धीरे धीरे शोर और बेचैनी में बदलती जा रही हैं। वहीं विशाल को ये चीखें बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने कान पर हाथ रख लेता है। आखिर में मजबूरी में विशाल खाली हाथ वहां से वापस लौट आता है, क्योंकि वहां अब और ज्यादा देर ठहरना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। वहीं सुबह अपने घर पहुंचने पर विशाल की गर्लफ्रेंड प्रिया पहले से ही वहां उसका वेट कर रही होती है और विशाल के अपने रूम के अंदर दाखिल होते ही प्रिया उस पर लगभग टूट पड़ती है। उसके गालों पर एक के बाद एक किस करने लगती है, उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन विशाल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से दूर हटते हुए कहता है, प्लीज प्रिया, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरा मूड नहीं है। वहीं विशाल की ये बातें सुनकर प्रिया नाराज होकर कहती है, तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं होता? सारी रात मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे लिए यहां इंतजार करती हूं और तुम हर बार सिर्फ यही कहते हो, आज मेरा मूड नहीं है, या फिर कुछ और बहाना कर देते हो। हो क्या गया है तुम्हें? तभी विशाल कहता है, प्रिया यू नो व्हाट, हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में और लोग भी हैं, हमें थोड़ी बहुत उनकी परवाह भी कर लेनी चाहिए। इस बात पर प्रिया कहती है,
विशाल, आखिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या मैं सेल्फिश हूं? विशाल प्रिया की ओर देखकर कहता है, प्रिया ये सच है, कभी कभी तुम सेल्फिश हो जाती हो और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगती हो। तभी इसके जवाब में प्रिया कहती है, मैं जानती हूं तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब कह रहे हो। अब बताओगे भी कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? विशाल कुछ टेंस नजर आने लगता है और प्रिया की ओर देखते हुए कहता है, प्रिया मैंने आज जो कुछ भी फेस किया होटल राजमहल में, उसकी वजह से मेरा मूड कुछ खराब है। तभी प्रिया विशाल को कुछ भी आगे बोले दिए बिना बोल पड़ती है, तुम और तुम्हारा ये मनहूस होटल राजमहल, तुम्हारा ये होटल तो जैसे मेरी सौतन बन गया है। विशाल चौंक कर प्रिया की ओर देखता है, वहीं प्रिया घूर कर विशाल की आंखों में देखकर कहती है, विशाल अब सच भी कह दो, तुम्हारा मन मुझसे ऊब गया है ना? कोई और लड़की तुम्हें पसंद आ गई है ना? इस बात पर विशाल गुस्सा हो जाता है और कहता है, प्रिया इनफ, ये क्या बचपना है? तुम हर बार लड़की लड़की का रट लगाए रखती हो, क्या तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ और नहीं चलता? तुम्हारी छोटी सी जिंदगी है, तुम बस उसी में उलझ कर रह जाती हो। जरा बाहर निकलो अपनी दुनिया से और जाकर देखो दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। इस बात पर पलटवार करते हुए प्रिया गुस्से से कहती है, अब तुम ना अपने काम का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे हो, बस करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कोई लेक्चर। इतना कहकर प्रिया वहां से पैर पटकते हुए चुपचाप से चली जाती है। तभी बंसी अचानक से फुसफुसाता है, अच्छा हुआ ये गुस्से में यहां से चली गई, बहुत विशाल के सर पर चढ़ रही थी। तभी बंसी की बात को काटते हुए मुरली बड़बड़ाता है, अबे तू कभी भी कुछ भी बोलता है, प्रिया इकलौती गर्लफ्रेंड है इसकी, इसे छोड़कर भाग जाएगी तो फिर क्या ये प्यार तुझसे करेगा? इतना सुनते ही विशाल जोर से चिल्लाता है, तुम लोग बस भी करो अब। तभी बंसी बोलता है, हमने कहा कुछ बोला? उसकी बात पर शह देता हुआ मुरली बोलता है, सही बोला तूने, शुरुआत तो इस चुड़ैल ने की थी। विशाल इरिटेट होकर कहता है, चुप, तुम दोनों में से अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। इतना सुनते ही मुरली और बंसी दोनों गधे की सींग की तरह वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही पूरे कमरे में एक शांति फैल जाती है। वहीं विशाल अपने कमरे में सो जाता है और दोबारा से रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है, क्योंकि पिछली रात जो कसर बाकी रह गई थी उसे आज की रात वो कैसे भी पूरा करके ही रहेगा। वहीं रात 11 बजते ही विशाल सीधे रूम नंबर 5002 पर पहुंचता है। विशाल जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 75 के करीब होती है, विशाल को वहां कमरे में आता देखकर चौंक जाता है और पूछता है, बेटा तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। विशाल बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, अंकल जी मैंने अभी अभी होटल ज्वाइन किया है और मैं यहां आप लोगों के बारे में पूछने आया हूं। तभी बूढ़ा आदमी उम्मीद भरी नजरों से देखकर विशाल को कहता है, बेटा हम लोग तो यहां अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा था हमसे कि आप लोग बस यहां थोड़ी देर रुक जाइए, फिर मैं आप लोगों को सीधे यहां से अपने घर लेकर जाऊंगा, लेकिन बेटा वो अब तक आया नहीं हमें यहां से ले जाने के लिए। ये सुनकर विशाल की आंखों में जैसे हल्की चुभन सी होने लगती है। कहीं ना कहीं ये बातें उसके अंतर मन को कचोटने लगती हैं। तभी वॉशरूम से एक हल्की सी आहट महसूस होती है और उसी के साथ कुछ चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है। विशाल उस आहट की ओर मुड़कर देखता है तो पाता है एक ओढ़ी औरत है जो थोड़ी लंगड़ाकर चल रही होती है और उन्होंने अपनी आंखों पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा पहना होता है। वो अचानक से कहती है, बेटा
क्या तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रही थी। विशाल उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है, उन आंखों में जैसे अपने बच्चे से मिलने की तमन्ना छलक रही है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है, नीलेश की माँ, ये नीलेश नहीं है, ये लड़का तो यह काम करता है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, मुझे लगा मेरा बेटा आया है। क्या करूं बेटा, मेरे घुटने में ना बहुत तेज दर्द होता है। सिर्फ मेरी बहू को मेरे दर्द की दवा के बारे में पता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है उठने और बैठने में। और ऐसा कहते हुए बूढ़ी औरत अपने पति की तरफ देखने लगती है और कहती है, जब मेरा बेटा नीलेश आएगा ना बहू के साथ, तब वो मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर देगी। ये सब सुनकर विशाल बहुत बुरा फील करता है। उसकी आंखें जो अब तक सिर्फ नम हो रही थी, उनमें अचानक से आंसू नजर आने लगते हैं। तभी विशाल उस बूढ़े आदमी और औरत की तरफ देखकर कहता है, अब अंकल जी, मैं बात करूं उनसे, मैं उन्हें यहां जल्दी आने के लिए कहूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी विशाल की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं बेटा, उसको फोन नहीं करना। अगर किसी काम में फंसा होगा तो खामखा परेशान होगा, वो अपने आप आ जाएगा फ्री होकर और मुझे और गायत्री को यहां से ले जाएगा। विशाल सोच में पड़ गया कि ये बूढ़े माँ बाप आज भी अपने बेटे और बहू के बारे में ऐसा सोचते हैं। मौत के बाद भी इनका जमीर आज भी उसी तरह से बना हुआ है जैसा एक इंसान में जिंदा रहते हुए भी नहीं बन पाता। वहीं ये सब सोचते हुए विशाल वहां से चला गया और सीधे अपने रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच गया। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या नाम है इनका और क्या इनके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या। इसीलिए वो रजिस्टर खोल के देखने लगा कि इन पूरे दंपत्ति का कोई इंफॉर्मेशन वहां मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर रजिस्टर के एक पन्ने पर आकर ठहर जाती है, रूम नंबर 5002, नेम मिस्टर अशोक पासवान एंड मिसेस गायत्री पासवान। ओ, तो इनका ये नाम है। विशाल नाम और इन्फो पढ़ते हुए खुद से ही बड़बड़ाता है और आगे इनके वोटर कार्ड और बाकी के चीजों को वहां डेस्क में चेक करता है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इन दोनों दंपत्ति के अलावा उस रजिस्टर में और कोई नाम नहीं होता और ना ही डेस्क में ही कोई अलग से इंफॉर्मेशन उसे हासिल हो पाती है। और तो और, इनके बेटे के बारे में भी विशाल को कुछ मालूम नहीं चल पाता। विशाल को सिर्फ ये पता है कि इनके बेटे का नाम नीलेश है और सरनेम पासवान है। विशाल इस मामले के बारे में काफी गहराई से सोचने लगता है और एक कमरे के पास से होकर गुजर ही रहा होता है कि एक हाथ विशाल को सीधे एक अंधेरे से भरी जगह में अपनी ओर खींच लेता है, जिससे विशाल हैरान होकर थोड़ा डर जाता है और अंधेरे में उन हाथों की तरफ देखने लगता है जिसने उसे अपना निशाना बनाया है। ये कोई और नहीं बल्कि मल्लिका शिखावत होती है, जो लगातार उसके गालों को प्यार से चूमने लगती है और विशाल को उसे प्यार करने को कहती है। विशाल, I need your love। और इतना कहकर मल्लिका विशाल के नेक पर किस करने लगती है। विशाल को थोड़ा ऑड फील होता है, जिस वजह से वो खुद को मल्लिका से दूर करते हुए कहता है, प्लीज मैम, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, मेरी गर्लफ्रेंड है प्रिया। इस बात पर विशाल के बालों पर हाथ फेरते हुए मल्लिका स्माइल करते हुए कहती है, विशाल, जितना प्यार तुम्हें मुझसे मिलेगा उतना प्यार तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया तो क्या इस दुनिया में कोई भी लड़की नहीं दे सकती। इस पर विशाल कहता है, लेकिन मुझे किसी और का प्यार चाहिए भी नहीं मैडम, मैं अपनी प्रिया को पाकर बेहद खुश हूं। ये सुनकर मल्लिका कहती है, ये बात है, चलो ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर मल्लिका विशाल को पैसे थमाने लगती है, ये लो, ये पैसे रख लो। विशाल चौंक कर उन पैसों की तरफ देखता है
जो काफी ज्यादा है। विशाल कहता है, पैसे? लेकिन किस लिए? मल्लिका कहती है, ये पैसे तुम्हें आने वाले समय में काम आने वाले हैं। ये सुनकर विशाल मल्लिका से वो पैसे ले लेता है और फिर 3:30 बजते ही विशाल वापस से अपने घर पहुंच जाता है और उस बूढ़े दंपत्ति के बारे में सोचने लगता है। वहीं अगली सुबह एक बड़ी सी कार आकर सीधे जयपुर के फायर ब्रिगेड के ऑफिस के सामने रुकती है और उस कार में से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है जिसने काले रंग का महंगा चश्मा लगा रखा है और गर्दन पर एक टाई लटक रही है और हाथ में इस वक्त एक मोटी सी फाइल है। ये विशाल है जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज यहां भेष बदल कर आया हुआ है। वो सीधे फायर ब्रिगेड के ऑफिस में दाखिल होता है और बिना वक्त गवाए वहां के मेन ऑफिसर से कहता है, हेलो, मैं एक ऑडिट ऑफिसर हूं, क्या आप ही यहां के स्टेशन ऑफिसर हैं? इतना सुनते ही फायर ब्रिगेड ऑफिसर सीधे होकर बैठ जाता है और विशाल को चेयर पर बैठने को बोलता है। जी सर, मैं ही स्टेशन ऑफिसर हूं। जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? विशाल कहता है, दरअसल मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट ऑफिसर हूं और यहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए आया हूं। विशाल आगे पूछता है, आपके यहां जयपुर में होटल राजमहल में आग लगी थी ना, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी? ये सुनकर ऑफिसर जवाब देता है, जी सर, यस सर, मुझे अच्छे से याद है, ये 2016 की बात है। हादसे में काफी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस हादसे को तो 7 साल गुजर गए हैं, अभी ये केस से आपको क्या लेना देना है? ये सुनकर विशाल जवाब देता है, हाँ, दरअसल पिछले 1 महीने से हमारे ऑफिस में काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिसमें से कई लोगों को अब तक उनका कंपनसेशन अमाउंट आज तक नहीं मिला है। इसीलिए मुझे उस हादसे से जुड़ी लोगों की फाइल्स की डिटेल्स चाहिए कि कौन कौन उस हादसे में मारा गया था और किस किस को कंपनसेशन अमाउंट मिले थे या नहीं, मैं बस यही जानना चाहता हूं। अब यस सर, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। इतना कहकर फायर ब्रिगेड का वो स्टेशन ऑफिसर 2016 की फाइल लेने चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद विशाल चाय पीते हुए उस 2016 की फाइल, जिसमें होटल राजमहल हादसे में मौत हुए लोगों की डिटेल्स मौजूद है, उसको पढ़ता हुआ आखिर में एक नाम पर आकर ठहर जाता है, क्योंकि पूरी फाइल में सिर्फ एक ही इंसान होता है जिसका नाम पासवान सरनेम के साथ होता है, निलेश पासवान। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? कैसे विशाल मिला पाएगा उस बूढ़े दंपत्ति को उनके बेटे से?